टू माय चैनल। आज मैं केक बना रही हूँ। जो कढ़ाई में मैंने नमक रखा वो गर्म होने के लिए और बीच में स्टैंड रखा, अभी इसको थोड़ी देर गर्म करूँगी। तब तक मैं बैटर की तैयारी करती हूँ। ये रिफाइंड ऑयल है एक छोटी कटोरी, अभी इसमें थोड़ा बटर दूंगी मैं, थोड़ा बटर डालूंगी इसके अंदर। एक चम्मच पिसी हुई चीनी है जी, दो तीन चम्मच मैंने चीनी डाल दी इसके अंदर। अभी तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मेल्ट कर लूंगी, मिला लूंगी अच्छी तरह से। जब तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया, इसको अच्छी तरह से मिला लोगे तो केक एकदम लाइट बनेगा। दो कटोरी मैदे से मैं बनाऊंगी केक को। ये मैदा हो गया, डेढ़ चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। अभी इसको अच्छी तरह से छान लेंगे इसके अंदर सबको मिक्स करके। अभी इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। अभी हम थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाएंगे इसमें। एक साथ दूध डाल दोगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूध। एक ही तरफ को घुमाएंगे। अभी थोड़ा और दूध देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा सिरका भी दूंगी इसके अंदर, हाफ चम्मच दे दूंगी। दे छोटे चम्मच से आप एक चम्मच दे देना। जो हमारा बैटर तैयार हो गया, जब आपको चम्मच के साथ ऐसे गिराओगे तो ऐसे गिरना चाहिए एक रिबन की तरह। ये बैटर तैयार हो गया, एक गिलास दूध से इतना दूध बच गया हमारा। जिस पैन में हम केक बनाएंगे उसको ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। आप बटर पेपर भी लगा सकते हो। अभी हम केक का बैटर इसमें डाल देते हैं।
इसको थोड़ा टैप कर लेते हैं, इसमें एयर बबल ना हो। अभी हमने जो कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी थी, अभी उसमें केक को रखते हैं और 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। जी कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अभी हम इसमें केक का बैटर रखते हैं और 25 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूंगी और सिम गैस पे इसको बनाऊंगी। 25 मिनट हो गए हैं केक को रखे हुए, अभी मैं करती हूँ चेक इसको। अभी ये थोड़ा कच्चा है, 5 मिनट तक इसको और पकाऊंगी फिर दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गया, अभी हम करते हैं केक को चेक। ये टूथपिक हमारी साफ निकली है, अभी केक तैयार है और अब हम इसको बाहर निकालते हैं और ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। केक ठंडा हो चुका, अभी हम इसको करते हैं डीमोल्ड। केक बन गया और जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसको हम डेकोरेट करेंगे। जी देखो फ्रेंड्स कितना स्पंजी बना हुआ है, ये देखो दबाने से कैसे फूल रहा है दोबारा वापस, इतना सुंदर बना हुआ है। जी केक को हम दो भाग में बांट लेते हैं, दो पीस कर लेती हूँ इसके। जी केक हमारा कट गया, अभी हम इसमें चीनी और पानी का चाशनी बना के पतली पतली ऊपर लगाएंगे। ताकि इसमें क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। अभी लगाते हैं इसमें क्रीम। अभी फ्रेंड्स हमने एक पार्ट को क्रीम लगा लिए, अब दूसरा पार्ट इस पे रखती हूँ। इसको भी सेम चाशनी लगा लेते हैं। इसको भी क्रीम लगाते हैं। अभी
हमारा हो गया डेकोरेट। आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। ओके, बाय बाय।